हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू ब्लॉग। तो इससे पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसकी एडिटिंग मैंने नहीं किया है, वो एडिटिंग मैं कर दूंगी। तो मैं इंडिया से ओमान आ रही थी, उसका ब्लॉग का एडिटिंग की बात कर रही हूँ, जो कि इस ब्लॉग के जाने से पहले ही वो ब्लॉग चला जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं सोची कि घर पूरा, जैसे ही हम लोग कल रात 1:30 बजे उतरे थे ओमान में, और उसके बाद रात में तो कुछ नहीं कर पाई थी, पूरा घर तहस नहस था। मतलब सोने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उतना रात को कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग सो गए थे। और फिर सुबह में मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, तो सोची आज मेरा पहला दिन है तो मैं आज यहाँ से एक ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये मेरा ओमान आने के बाद पहला ब्लॉग है, उससे पहले का तो बहुत सारा ब्लॉग है, लेकिन इंडिया से आने के बाद ये पहला ब्लॉग है। और अभी भी घर पूरा बिखरा पड़ा है, मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी इंडिया से, इसलिए मैं उन दिनों कुछ ब्लॉग बना भी नहीं पा रही थी। लास्ट 15 डेज में मैं बहुत कम ब्लॉग बनाई हूँ, क्योंकि मुझे इधर आने का बहुत सारा सामान का शॉपिंग करना था, जो कि ऑलमोस्ट मैं कर ही चुकी हूँ, कुछ कुछ ही छूट चुका है होगा, तो मैं वो सब भी आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी मैंने पूरा घर क्लीनिंग किया है, मतलब चारों तरफ धूल जम गया था, तो वो सब साफ वाफ किया है। और अब मैं शिविका को और मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। और एक अच्छी बात ये है कि आज सैटरडे है, क्योंकि सैटरडे को शिविका का स्कूल छुट्टी रहता है, तो हम लोग को एक दिन टाइम मिल गया, नहीं तो उसको स्कूल भेजना भी शायद आज मैं नहीं भेज पाती अगर स्कूल रहता उसको तो। रात में उतना देर से आने के बाद वो उठी भी लेट थी, तो और काम वाम भी था, तो उतना जल्दी हो नहीं पाता, सारा सामान अनपैकिंग करना है। और उसका स्कूल तो खुल गया था पहले ही, एक वीक पहले ही उसका एक वीक तक तो एब्सेंट ही चला है, लेकिन अब वो नेक्स्ट संडे यानी कल से स्कूल कंटिन्यू जाएगी। तो बने रहना इस ब्लॉग में, और आप अगर इस ब्लॉग में न्यू हो, इस चैनल पर न्यू हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरा क्लीनिंग वगैरह कर लिया है, इधर से बेडशीट वेडशीट सब हटा के वो बेडशीट भी धो दिया है। हम लोग इससे पहले वो ऐसा कर्टेन नहीं था, तो मैं बेडशीट ही ले ली थी खिड़की में डालने के लिए, लेकिन खिड़की में डाला हुआ था, इतना धूल जम गया था, तो वो सब धो के मैंने साफ कर दिया है। और सारा सामान मैंने एक साइड कर दिया है, मैं सोच रही थी कि ये सारा सामान दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूंगी, फिर सोचा कि उस रूम में फिर गंदा ही होना है, इसलिए मैंने एक तरफ रख दिया और क्लीनिंग कर लिया है। और धीरे धीरे करके हम लोग अनपैकिंग करेंगे, मतलब इतना सामान हो गया था कि मैं क्या बताऊं। हम लोग का ये पर पर्सन 30 kg ले जाना अलाउड था, तो 3 जन में 90 kg था, आपको विश्वास हो जाए नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा 0090 kg हमारा आया था लगेज का। मैं तो इतनी टेंशन में थी कि पता नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अनपैकिंग करना होगा वहाँ पे, और देर भी होने लगेगी, बड़ी हो जाएगा। मैं मना रही थी भगवान 90 kg हो, 90 kg हो, बिल्कुल 90 kg ही हुआ था, तब जान में जान आई कि अभी कुछ करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम लोग एयरपोर्ट पहले ही चले गए थे इसी डर से कि अगर सामान ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सामान निकलवा के फिर पैक करके और वापस घर भिजवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ा, अच्छी बात है। तो अभी सब अनपैकिंग करूँगी मैं। ये शाम की क्लिप है, हम लोग मार्केट गए थे घर की सब्जियां वगैरह लेने के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स, और मॉल में इतना सुंदर स्टिकर चिपकाया हुआ है क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो बैक टू स्कूल लिख के। और यहाँ पे ये इंडिया की तरह टमाटर यहाँ पे उतना महंगा नहीं हुआ है, इंडिया में तो बाकी सब्जियों के मुकाबले टमाटर बहुत महंगा हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे यहाँ के सब्जियों के कंपेयर में टमाटर हमेशा ही कम रहता है और अभी भी कम ही चल रहा है बाकी सब्जियों के कंपेयर में। और ये हमारा शॉपिंग हो गया था कंप्लीट, हमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना था, बस सब्जी वगैरह लेना था जो हमने ले। अच्छा ठीक, क्या
अभी मैं शिवी का को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ और आज हॉलीडे के बाद उसका स्कूल का पहला दिन था, तो वो थोड़ा सा रो रही थी और बोल रही थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, लेकिन मैंने उसको समझा के भेज दिया स्कूल, क्योंकि ऑलरेडी उसका हमने एक वीक छुट्टी करा दिया है। उसकी स्कूल खुल गई थी 29th of July को और 4 जुलाई को हम लोग ओमान पहुँचे हैं, तो एक वीक पूरा उसका छुट्टी ही रहा है और छुट्टी नहीं करवा सकते वरना उसका सिलेबस भी पीछे रह जाएगा स्कूल के अकॉर्डिंग। तो मैंने उसको भेज दिया समझा के और कल से हो सकता है वो नॉर्मल हो जाएगी। इतने दिन से गैप था स्कूल का, तो वो पूरा उसको घर पे रहने का आदत हो गया था, टाइमिंग चेंज पूरा हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा कर रही थी नाटक, लेकिन कोई नहीं, कल से ठीक हो जाएगी। और ये ब्लॉग मैंने कल स्टार्ट किया था मॉर्निंग में और अभी दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं एंड कर रही हूँ। तो आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करना, और इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। नीचे आ गई हूँ शिविका को लेने के लिए और आज मैं कुछ जल्दी ही नीचे आ गई, 10 मिनट से वेट कर रही हूँ, लेकिन उसका स्कूल बस अभी तक नहीं आया है। मुझे लगा, मैं लोकेशन देख रही थी लेकिन लगा कि शायद मेरे घर के पास ही है और मैं नीचे आ गई, लेकिन वो अभी तक पहुँची नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़ी होकर वेट कर रही हूँ और बाहर इतनी धूप है कि मैं क्या बताऊँ, इसलिए अंदर ही खड़ी हूँ। शिवू,